आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। सो मेरी अभी व्हाइट स्क्रीन आपके सामने दिख रही है। जी सर। अब लेट सपोज मेरे पास एक एंटीना है जो कि मैंने एक स्टार से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, और मुझे नहीं पता मैं कहीं भी जगह पे बैठा हुआ हूँ। लेट सपोज मैं इनसाइड दिस बॉक्स बैठा हूँ और मेरे पास मल्टीपल किस्म के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। मुझे ये जो सिग्नल है, ये जो एंटीना है, ये सब अपने सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, वहां पे भी कर रहा है, सही है। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि ये ओमनी डायरेक्शनल है। अब ये कुछ इस तरीके से इसका लोब ये बन रहा है, सही है, मैं अज्यूम करता हूँ। अब इस ये डब्बे के अंदर मौजूद जो कोई भी शख्स है उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पास जो डायरेक्शन है इसकी वो कुछ ऐसे है कि अगर मैं यहाँ पर अपने इनसाइड दिस बॉक्स एक मैं बनाऊँ क्या बेरिंग, यानी कि एक वो बनाऊँ क्रॉस बनाऊँ और वहां से मैं सिग्नल की बेरिंग मालूम करूँ, तो वो सिग्नल की बेरिंग कुछ इस तरीके से होगी। और जो मैं नॉर्थ से इसका जो थीटा मालूम करूंगा वो लेट सपोज कोई मेरे पास थीटा एक्स आ रहा है, सही है। मुझे बेसिकली यूजिंग दीज ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स या इक्विपमेंट्स मुझे थीटा एक्स मालूम करना है, सही है। ये किस तरीके से मालूम कर सकूं, दैट इज योर टास्क। इंटरनेट के ऊपर लिखोगे ना डायरेक्शन ऑफ अराइवल, यानी कि डी ओ ए ऑफ ए ट्रांसमीटर, डी ओ ए और एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ अराइवल डायरेक्शन ऑफ अराइवल, सही है, ऑफ टी एक्स। ये सर्च करोगे तो यू वुड बी एबल टू फाइंड मल्टीपल रिसर्च पेपर्स। यू हैव टू गो डीप डाउन थ्रू इन टू दीज रिसर्च पेपर्स एंड फाइंड आउट द पॉसिबल सॉल्यूशंस। इफ यू हैव कम अप विद द सॉल्यूशन देन यू हैव टू राइट अ वन पेज, वन टू टू पेज समरी इन विच यू, इफ देर इज ए सर्किट डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम, सो यू कैन डिस्कस दैट सर्किट एंड ब्लॉक डायग्राम एज वेल। तो ये है असाइनमेंट, राइट? समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये असाइनमेंट है क्या? तो खैर ये था असाइनमेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने मेरी जो स्लाइड्स है वो आपके सामने शेयर हो रही है? नो सर। नो सर। सबसे पहले तो मैं स्टॉप शेयर करूँ, उसके बाद ये न्यू शेयर एनजीसी नाउ। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। हम लोगों ने लास्ट टाइम, मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो कल हम लोगों ने जो छोड़ा था वो क्या छोड़ा था, हम लोगों ने यहाँ तक छोड़ दिया था कि भाई इनसाइड कहाँ चला गया वो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। हम लोगों ने यहाँ तक जो देखा था कि भाई ये हमारे पास एक नेविगेशनल चार्ट है, इसके अंदर मल्टीपल किस्म के हमारे पास नेविगेशनल स्टेशन बने हुए हैं, जिसमें जिनके सिंबल्स ये हैं वी ओ आर, ये भी नेविगेशनल रेडियो नेविगेशन का एक हमारे पास बेस स्टेशन है, वी ओ आर, डीएमई, डीएमई टेकन वगैरह, ऑल दैट वगैरह, ये सारे के सारे लगे हुए। ये बेसिकली उनकी यूनिक पोजिशन है, ठीक है, यूनिक पोजिशन है। अब ये चार्ट के ऊपर आ रहे होते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद एंटीना के अंदर इस्तेमाल होने वाले क्या इक्विपमेंट्स होते हैं ये हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था। हमारे पास बेसिकली दो तरह के हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन दो जरूर होते हैं। वो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बताया था कि भाई एक अदद हमारे पास सेंस एंटीना होता है, एडीएफ का जो बॉक्स होता है उसके अंदर, एक अदद लूप एंटीना भी हो सकता है, मल्टीपल लूप एंटीनास भी हो सकते हैं, और उसके साथ लगने वाली इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। सो दिस वाज दी क्या कहना चाहिए सर्किटरी दैट इज इन्वॉल्व इन एडीएफ। इसी के साथ साथ अगर हम एनडीबी की बात करें तो एनडीबी के अंदर एक हमारे पास स्टेशन होता है, इसके साथ एक टावर एसोसिएट होता है, और उस टावर के साथ मेरे पास क्या है, ये एंटीने लगे हुए होते हैं मल्टीपल, जो कि नॉन डायरेक्शनल बीकन्स कहलाती हैं। अब ये एंटीने एक मोनोपोल भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने क्या किया हुआ कुछ इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि अगर मैं ये एनोटेशन एनोटेशन शो करूं तो ये कुछ इस तरीके से कि ये कुछ इस तरीके से
एंटीनास लगे हुए होते हैं आठ डायरेक्शन के अंदर। ये आठ डायरेक्शन में एंटीनास लगे हुए होते हैं कुछ इस तरीके से, ये पूरा क्रॉस बना हुआ होता है। अब ये शायद ये देख सकते हो आप, गौर से देखो तो ये वो एक दो तीन एंटीनास हर जगह पे लगे हुए हैं। तो दिस इज दी नॉन डायरेक्शनल एंड बीकन, जो कि एक टावर के साथ एसोसिएट है और ये इस तरीके से लगे हुए होते हैं। ये वाली पिक्चर को ये जूम करके दिखाया गया, इससे ज्यादा मजीद जूम करके नहीं दिखा सकते, पिक्सल पड़ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि एनडीबी के ऊपर जो एंटीना लगे हुए थे वो किस तरीके से लगे हुए हैं। गॉट इट? अब एनोटेशन को क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, इसको किया बंद। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब आ जाती है रिसीवर की बात। रिसीवर के अंदर क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है सेंस एंटीना लगा हुआ होता है, और एक अदद हमारे पास क्या लगा हुआ होता है लूप एंटीना लगा। अब ये सेंस एंटीना जो आता है बेसिकली सेंस करता है कि आया कि मेरे पास जो एडीएफ है किस बेस स्टेशन का है, सही है। अब ये कैसे पता लगेगा उसको कि किस बेस स्टेशन का है, मोर्स कोड की मदद से हमारे पास पता लगता है कि वो सेंस एंटीना सेंस करने के बाद एक मोर्स कोड जनरेट करता है, सही है। अब ये मोर्स कोड क्या होते हैं आप लोगों ने पहली दफा सुना होगा इस बारे में। सो अब मैं आता हूं यहाँ पर, माइक टूले की बुक आप लोगों को दिख रही है मेरे सामने जिसमें लिखा हुआ है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स, यस यस सर सर बिल्कुल सही है। अब हमारे पास रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास जो ट्रांसमीटर होते हैं और रिसीवर होते हैं, ये दो तरह के ट्रांसमीटर होते हैं। एक कहलाता है कंटिन्यूस वेव रेडार, एक कहलाता है डिसकंटिन्यूस वेव रेडार। अब ये कंटिन्यूस वेव रेडार होता क्या है, या कंटिन्यूस वेव होती क्या है? कंटिन्यूस वेव का मतलब है कि एक कंटिन्यूसली वेव आ रही होगी, यानी कि ये वेव आ रही है। एक मैंने एंटीना लगाया और इस एंटीना को मैंने अगर एक रिसीविंग एंटीना लगाया ऑसिलोस्कोप के साथ, और ऑसिलोस्कोप पे कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या आ रहा है, एक कंटिन्यूअस साइनोसाइडल वेव आ रही है, कंटिन्यूअस साइनोसाइडल वेव आ रही है कुछ इस तरीके से भाई। तो दैट मींस ये क्या है, एक कंटिन्यूअस वेव सिग्नल है या कंटिन्यूअस वेव रेडार है या कुछ भी है। बेसिकली जो कंटिन्यूअस वेव रेडार और ये डॉपलर रेडार, ये हम लोगों ने बेसिकली रेडार में पढ़ा था, तो ये वहां पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आया था ये कंटिन्यूअस वेव है क्या चीज। लेकिन यहाँ पर ये जो बात कर रहा है ये कंटिन्यूअस वेव की बात कर रहा है कि ट्रांसमीटर और कंटिन्यूअस वेव रिसीवर, सही है। अब कंटिन्यूअस वेव रिसीवर है मेरे पास और ये एंटीना है, मुझे पूरा बनाना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एक अदद मुझे क्या चाहिए होगा, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के बाद ये लगा हुआ है 100 किलो हर्ट्ज का हमारे पास एक, ये कुछ आ रहा है कि मैं ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर के ऊपर साथ में ये एक मैंने वो लगाई हुई है एक क्या कहना चाहिए प्रोब है, और उस प्रोब के ऊपर मैंने जब सिग्नल की वो मालूम करी फ्रिक्वेंसी मालूम करी तो वो 100 किलो हर्ट्ज का आ रहा है, सही है ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देन उसके साथ एक लगा हुआ है पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर करता क्या है, ये जो हमारे पास लेट सपोज वही एम्पलीफायर का जो काम होता है ना वही करता है, लेकिन पावर एम्पलीफायर के अंदर ये करंट की जो वैल्यू है ना ये उसको बढ़ाता है। सिग्नल की जो पावर होती है ना ये उसको बढ़ाता है, यानी अमाउंट ऑफ करंट को बढ़ाता है और वोल्टेज भी बढ़ाता है, लेकिन ये सही है। अब इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं ये एक स्विच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ये एक अदद स्विच। अब ये स्विच है क्या, ये बेसिकली स्विच इस को पावर एम्पलीफायर को ऑन या ऑफ करता है। जब इसको ऑन करेगा तो यहाँ से कोई सिग्नल जाएगा, और जब ऑफ करेगा तो मेरे पास कोई सिग्नल नहीं जाएगा। अब ये जाएगा या नहीं जाएगा ये डिपेंड कर रहा होगा इस मोर्स की के ऊपर, सही है। अब ये जो मोर्स की है ये एक स्विच है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ रैंडमली इसको ऑन या ऑफ कर रहा हूं, तो मेरे पास एंटीना के ऊपर जो आउटपुट वेव आ रही होगी वो कुछ इस तरह से आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, ये बात भी समझ में आती है, ऐसे ही आ रही होगी ना जनाब। जब स्विच क्या है क्लोज है तो क्या जा रहा होगा, जीरो जा रहा होगा या वन जा, मतलब ये हाई जा रहा होगा या लो जा रहा होगा, सही है। अब ये डिपेंड करता है कि स्विच की नोयत क्या है, लेकिन उनके ऑन ऑन ऑफ होने के ऊपर मेरे पास कुछ ये इस तरह का रैंडम पैटर्न आ रहा है। सब लोग इस बात से इत्तफाक करते हैं। यस सर अब
इस तरह की वेव फॉर्म के जरिए से एक था साइंटिस्ट, उसका नाम था जॉन मोर्स था या जे मोर्स था। उसने क्या किया कि इसकी मदद से, यानी कि इस तरह के पैटर्न की मदद से उसने क्या किया, अपने मैसेज को ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। और उसने एक एल्गोरिदम बनाया जो कि क्या कहलाता है, मोर्स कोड कहलाता है। सही है। अब ये मोर्स कोड है क्या, ऊपर चलते हैं। अब कंटिन्यूस वेव रडार कीइंग द रेडियो फ्रिक्वेंसी। अब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ ये कीइंग वगैरह कर दी, एंड देन उसके बाद उसने क्या किया, इस स्विच की मदद से उसने ट्रांसमिट करने लगा। आपके पास एक अदर रिसीव चला गया, रिसीवर ने क्या किया, एंटीना से सिग्नल रिसीव किया, ये पूरा उसके सर्किट डायग्राम आ गई। ये AF एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है ये, और ये लाउड स्पीकर के ऊपर आपके पास कुछ बीप्स वगैरह आनी शुरू हो गई। ठीक है। अब ये जो बीप्स होती है, इनका इंटरवल शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। अब इस शॉर्ट इंटरवल और लॉन्ग इंटरवल की मदद से उसने क्या किया, यूनिक कोड्स इस्तेमाल किए, साथ ही साथ उसने एक बीप फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर भी किया। अब बस ये आप बात आ जाती है वो ये कि अब ये जो मोर्स कोड है हमारे पास, ये 100 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है और ये लाउड स्पीकर है। 100 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है, इसके साथ मैंने लाउड स्पीकर को कनेक्ट कर दिया और इसको मैं 1 किलो हर्ट्ज को मैं इसको इग्नोर करता हूँ। क्या मैं 100 किलो हर्ट्ज की जो साउंड वेव है उसको सुन सकूंगा? सर नहीं सर, हाँ नहीं क्यों, नहीं क्यों? सर उसके थर्ड ज्यादा होंगे इस वजह से, क्योंकि हम जो ज्यादा यूज करते हैं तो हम 1 से लेके 5 तक ही करते हैं यूज सर। क्या वो उनके जो पीछे वो जो आता है सर, फ्री फ्रीक्वेंसी जो आती है। सॉरी गलत कह रहे हो। मुनज्जा आप बताओ। सर मतलब लाउड स्पीकर जब आपने उसमें से निकाल दिया तो फिर सुनना जो है वो थोड़ा मुश्किल, नहीं सुन नहीं सकते नहीं आप। लाउड स्पीकर लगा हुआ है, लाउड स्पीकर की इनपुट के ऊपर जो सिग्नल आ रहा है वो 100 किलो हर्ट्ज का आ रहा है, और लाउड स्पीकर जो है 100 किलो हर्ट्ज के हिसाब से एक ऑडियो सिग्नल जनरेट कर रहा है। क्या वो मैं सुन सकूंगा? कुछ डिस्टॉर्शन वगैरह सर, मैं इसका जवाब मुझे नहीं पता आ सही रहा। है, चले सही है। और कोई अपनी विशिष्ट टिप्पणी देना चाहे? Does anybody want to add something regarding this problem? मेरे ख्याल से नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, वो ये कि हम जो वो जो आवाज सुन सकते हैं और जो बोल सकते हैं उसका एक खास किस्म का फ्रिक्वेंसी बैंड होता है, जो कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक क्या होता है, होता है। यानी के हमारी जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी जो हम सुन सकते हैं और जो बोल सकते हैं वो कितना है, 20 किलो हर्ट्स का सिग्नल है मैक्सिमम। और ये 20 किलो हर्ट्स का सिग्नल किसका हो सकता है, ये कोई बहुत तेज तरार खातून का होगा जिसकी आवाज बहुत तेज होती है। मर्द हजरात की जो वो होती है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी, जो वो बात कर रहे होते हैं, वो कम किलो हर्ट्स की होती है, लेकिन आवाज में जो भारीपन होता है वो एम्पलीट्यूड की वजह से आता है। जबकि खवातीन की जो आवाज होती है वो थोड़ी सी पैनी होती है, क्यों, उनकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। सही है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है। अब मसला ये आ जाता है कि भाई 100 किलोहर्ट्ज का आपने सिग्नल ट्रांसमिट तो कर दिया, लेकिन इसको मैं जब प्रोपेगेट कर लिया, प्रोपेगेट करने के बाद जब मैंने स्पीकर के साथ कनेक्ट किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सिग्नल को नहीं सुन सकते हैं। हम कौन से सिग्नल को सुन सकते हैं, जो कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज के दरमियान का कोई सिग्नल हो तो हम उसको सुन सकते हैं। तो फिर हम लोगों की क्या चाहिए होता है कि भाई हमने इस 20 किलोहर्ट्ज में से कोई एक, 20 किलोहर्ट्ज में से हमें कोई 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल चाहिए, ये अज्यूम करते हैं, ये एक क्राइटेरिया बना लिया। सही है। तो एक हद हमें क्या चाहिए होगा, बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर चाहिए होगा, जो कि इनकमिंग सिग्नल है, इनकमिंग सिग्नल में से, इनकमिंग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के में से हाई फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट को निकाल दे और लो फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट को क्या कर दे, आउटपुट पे दे दे। तो ये एक हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है, जो कि क्या करता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास देता है, इसको कहते हैं BFO। सही है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास सिंपल रेडियो सिस्टम के अंदर इनकमिंग सिग्नल,
100 किलो हर्ट्ज का है, BFO इस प्रोड्यूस सिग्नल्स ऑफ 9 किलो हर्ट्ज, तो हमारे जो सिग्नल सुन सकते हैं और आउटपुट डिटेक्टर के ऊपर जो हमारे पास इस आउटपुट डिटेक्टर स्टेज के ऊपर जो सिग्नल हमारे पास आ रहा होगा वो 1 किलो हर्ट्ज का होगा, सही है 1 किलो हर्ट्ज का होगा। अब इसी तरीके से ये एक मेरे पास न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में क्या हुआ है कि भाई मेरे पास एक अदद फ्रिक्वेंसी सिग्नल है 162.5 किलो हर्ट्ज का, सही है। बीट फ्रिक्वेंसी जो मेरे पास है, इफ अ बीट फ्रिक्वेंसी ऑफ 1 किलो हर्ट्ज इज टू बी ऑब्टेन्ड, यानी कि बीट का मतलब है मैं वो बीट सुनने वाली जो बीट है, अगर मुझे 1.25 चाहिए कहां पर, मुझे इस डिटेक्टर के बाद चाहिए 1.25 किलो हर्ट्ज का चाहिए, तो मेरे पास BFO बीट फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई हमारे पास अगर मुझे इनकमिंग सिग्नल माइनस बीट फ्रिक्वेंसी सिग्नल वो किसके बराबर होगा, 1.25 के बराबर होगा, तो ये 1.625, ये 1.25, इसकी एक इक्वेशन होती है जो कि यहाँ पे गिवन है कि भाई अगर मुझे बीट फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर चाहिए तो ये 162.5 प्लस माइनस जो मेरे पास आउटपुट ऑडियो 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 फ्रिक्वेंसी, बेसिकली FAF का मतलब ये है कि वो फ्रिक्वेंसी जो ऑडियो सिग्नल के लिए हमें चाहिए, ये वो फ्रिक्वेंसी, इसको प्लस या माइनस की सूरत में कर दूंगा तो हमारे पास ये BFO की दो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, सही है। अब आती है मोर्स कोड की बात। अब वो जो मेरे पास लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस जो कि यहाँ पर शो किया गया है कि ये टूट 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 टूट, मतलब जब मोर्स कोड आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह के बीप्स आते हैं, बीप 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 बीप, इस तरीके से आप देख रहे हैं लॉन्ग इंटरवल शॉर्ट इंटरवल लॉन्ग इंटरवल शॉर्ट इंटरवल, बेस्ड ऑन दीज कॉम्बिनेशन हमारे पास कुछ मोर्स कोड होते हैं, जैसे कि ए बराबर है बीप बीप, अब जैसे कि यहाँ पर है बी बी किसके बराबर है, बड़ा मतलब लॉन्ग इसे बीप फिर बीप 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 बीप, सो इस तरीके से हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के मोर्स कोड होते हैं, इनके जरिए से हम क्या करते हैं बहुत दूर तक अपना सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। ये है वो, इसका नाम सैमुअल मोर्स, जिस बंदे ने ये मोर्स कोड तैयार किया था, ये बहुत आज से तकरीबन 150 साल पहले ये किसी बंदे ने ईजाद किए थे और ये आज तक ईजाद होते हैं मोर्स कोड, सही है। किसी का कोई सवाल? मेरे पास चैट पे एक सवाल आया, सर जो आपने 100 किलो हर्ट्ज का क्वेश्चन पूछा था उसमें डिस्टॉर्टेड आवाज सुनाई देगी। अब इसमें डिस्टॉर्शन जो है वो इसमें ऐसा सच है नहीं, क्यों, हम जो आवाज कर रहे हैं ना आवाज के अंदर हमारे पास कंटिन्यूअसली, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आपको जो सुनाई दे रहा है उसमें कंटिन्यूअसली एक फ्रिक्वेंसी चेंज आ रहा है, उस फ्रिक्वेंसी चेंज को आपका जो कान है आपका जो एयर है वो भाप लेता है और उसी के हिसाब से आप समझ लेते हैं कि सामने वाला बंदा बोल के आ रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ साउंड है या नहीं है, बेस ऑन दैट तो डिस्टॉर्शन वाला जो यहाँ पर एलिमेंट है ना ये वो एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। ओके सर, पहली बात आ जाती है कि हमारे पास सिग्नल जो होता है ना वो, अब एक चीज और समझाता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे समझाता हूँ और एनोटेशन के जरिए से समझाता हूँ। देखो हमारे पास ये मेरे पास TX है, ये मेरे पास RX है। अब ये क्या है, हवा में सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है, सही है, ये हवा में सिग्नल अभी। अब यार ये क्या हुआ, बंद हो गया, अच्छा जी ये आ गया TX, ये आ गया मेरे पास RX, अब तो दिखाई दे रहा है ना, ये हवा में सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है। देखो हमेशा बात याद रखो, जब भी हमारे पास एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो उसके अंदर सिग्नल जो होता है एक तो क्या होता है, फैड होता है, क्या होता है, फैड होता है। फैडिंग का मतलब ये है शुरू शुरू में सिग्नल ज्यादा होगा और इस तरीके से चैनल क्या होता है, ये इसकी जो वो होगी ना प्रेजेंस वो क्या हो जाती है, फेड होती जाती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि मैं एक साउंडिंग बॉडी हूँ, ठीक है, मैं एक चीज आपको सुना दे रहा हूँ बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक साउंडिंग बॉडी जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक मेरे पास कोई लिसनर है जो मेरी आवाज सुन रहा है, जैसे जैसे मैं लिसनर और साउंडिंग बॉडी के दरमियान
डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो उसको आवाज क्या होना शुरू हो जाएगी, फेड होना शुरू हो जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि सिग्नल बिल्कुल भी फेड हो जाएगा। तो ये एक सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन, बिकॉज साउंड वेव हो गया और लाइट वेव हो गया, ये ऑब्जेक्ट से टकरा के क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। और इसके अंदर वही जो साउंड वेव और लाइट वेव के अंदर जो फिनोमेनाज होते हैं ना रिफ्लेक्शन के और रेयरफैक्शन के, वही चीज आती है यहाँ पर। रिफ्लेक्शन की वजह से दो तरह की इंटरफेसेस इंटरफेरेंस होती है। वो रिफ्लेक्शन की इंटरफेरेंस क्या कहलाती है, इंटरफेरेंस, जब दो सिग्नल आपस में इंटरफेयर करते तो वो इंटरफेरेंसेस क्या कहलाती है, कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अगर दो सिग्नल आपस में इंटरफेयर किए, मतलब ये यहां से एक सिग्नल आया, ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यहां से कंटिन्यूअसली सिग्नल आ रहा है और ये टकरा के इसने अपनी डायरेक्शन दोनों के आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से टकरा गए, अब कुछ ना कुछ एंगल भी होगा, उस एंगल की बुनियाद भी है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो डिस्ट्रक्टिव बेस्ड ऑन दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये सिग्नल खत्म भी हो सकता है, ये सिग्नल बढ़ भी सकता है। सो रिफ्लेक्शन एक ही आ गया। तो दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर दी कि भाई जब हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है तो सिग्नल क्या होता है, फेड हो रहा होता है। एक चीज हम लोगों ने पढ़ ली फेडिंग, एफ ए डी आई एन, एक होती है हमारे पास फेडिंग, इसको मैं टेक्स्ट की सूरत में लिखता हूँ यार, एक होती है फेडिंग एफ ए डी आई एन जी, दूसरी हमारे पास हो गई हमने क्या पढ़ दिया, रिफ्लेक्शन पढ़ दिया। तीसरी चीज हमारे पास होती है अटेनुएशन। आप में से दो तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटेनुएशन पहले अभी सुना होगा। और एक चीज होती है हमारे पास डिस्टॉर्शन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, फेडिंग पढ़ लिया, अभी अटेनुएशन है क्या, ये अटेनुएशन के बारे में बताता हूँ। सो मैं रेजर लेता हूँ। अच्छा जो अभी हजरात मौजूद हैं, जो मैंने अभी दो चीजें बताई हैं फेडिंग की और रिफ्लेक्शन के बारे में, वो उन लोगों को समझ में आ गई कि फेडिंग क्या है और रिफ्लेक्शन क्या है? यस सर। अब उसके बाद आ जाती अटेनुएशन। अभी अटेनुएशन है क्या, लेट सपोज, हाँ आपने एक अदर सिग्नल क्या किया, इस तरीके से क्या किया, ट्रांसमिट किया, टीएक्स ने क्या किया, ट्रांसमिट किया, और आरएक्स ने क्या किया, रिसीव किया, और रिसीव जो सिग्नल किया वो क्या हो गया, इतना किया। तो इस सिग्नल ने क्या किया, अपना ट्रांसमिटेड ने और ट्रांसमिटेड सिग्नल और रिसीव सिग्नल दोनों क्या है, इन फेज है, मतलब जो आपने सिग्नल भेजा वही आपको सिग्नल मिला, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। तो दैट मीन्स दी इसके अंदर क्या हुई है, अटेनुएशन हुई है, क्या हुई है, अटेनुएशन हो गया। अब बात आ जाती है डिस्टॉर्शन की। अभी डिस्टॉर्शन क्या है, अभी मैं लेता हूँ रिमूवर, ये से मैंने रिमूव कर दिया, अगेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। आपने भेजा एक अदद मेरे पास साइन वेव, और मेरे पास आउटपुट पे कुछ आ गई इस तरह की वेव, सिग्नल ने अपनी नेचर क्या कर ली, चेंज कर ली, क्या कर ली, नेचर चेंज कर ली। आपने भेजा साइनोसाइडल वेव, आपके पास क्या गई, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, तो उस सूरत में सिग्नल क्या हो गया, बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गया। डिस्टॉर्शन के अंदर क्या होता है, सिग्नल अपनी जो शक्ल होता है वो तब्दील कर लेता है, सो ये कहलाती है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन की एक और टाइप भी होती है, डिस्टॉर्शन के अंदर ये भी हो सकता है कि भाई आपने कोई एक सिग्नल भेजा, वो सिग्नल यहाँ पे देख रहे हो, ये सिग्नल क्लिप हो गया, तो ये भी एक तरह की डिस्टॉर्शन तस्वीर की जाती है, कहां पर, क्योंकि सिग्नल ने अपना अपनी शक्ल तब्दील कर ली, सो दैट्स कॉल्ड डिस्टॉर्शन, राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब आप लोगों ने इसके प्री रिक्विजिट नहीं पढ़े हो तो। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा उससे पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोगों का पेपर कब है नेविगेशन का, आप लोगों को मालूम है? सर 1 जुलाई।
1 जुलाई पक्का? जी सर, मतलब ये दिन पक्का है ना, क्योंकि मैंने अभी तक स्केड्यूल चेक नहीं किया है। थर्सडे जी सर, थर्सडे इस दिन। मतलब नेक्स्ट थर्सडे, पूरा एक हफ्ता है आपके पास। जी अच्छा एक चीज और बतानी थी मुझे, ये बताओ किसी का कोई क्लैश तो नहीं है उस दिन? अगर है तो बताओ भाई। क्लैश सर, क्या नहीं होते? क्लैश पेपर में कोई क्लैश वगैरह तो नहीं है किसी का, कि एक दिन दो पेपर हो रहे हैं और सेम टाइमिंग में? क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रडार और नेविगेशन एक साथ पढ़ रहे हैं। सर रिडार नहीं पढ़ रहे, नहीं है, मतलब यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कोई ऐसा शख्स? नहीं सर, हम सिर्फ ये वाला कोर्स पढ़े, नेविगेशन। चले जी बेहतरीन। सही है, तो ये काम बेहतरीन हो गया। अच्छा आप में से कोई ऐसा है जो एक ही कोर्स पढ़ रहा है या दो कोर्स पढ़ रहा है? दूसरा सर मैं दो कोर्सेज पढ़ी हूँ। कौन सा कोर्स है? सर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ रही हूँ। सही, और कोई है? सर हम लोग एथिक्स पढ़ रहे हैं। अरे सही, बेहतरीन। ठीक है, और उसका पेपर कब है? इसके बाद है, इससे पहले है, ये बता दें बस। सर वो इससे पहले है सर। इससे पहले? ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं। आगे अब चीजें हम लोग की क्लियर हो चुकी हैं, टेनोशन वगैरह सब पढ़ लिया है, अब मोर्स कोड भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो सेंस सिग्नल होता है ना, सेंस सिग्नल जो होता है वो जो एनडीबी होता है ना, एनडीबी के अंदर दो तरह के सिग्नल आ रहे होते हैं। एक तो आ रही होती है हमारे पास क्या, उस बेस स्टेशन की इंफॉर्मेशन, और वो बेस स्टेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट कौन करता है? सेंस सिग्नल। अब सेंस सिग्नल ने क्या किया, वो मोर्स कोड पढ़ा और उस मोर्स कोड की बुनियाद के ऊपर ये बता दिया कि भाई मेरे पास जो अभी मैं सिग्नल रिसीव कर रहा हूँ वो कौन सा, वो किस स्टेशन का है, तो ये वो बता भी देता है। ठीक है, अब लूप सिग्नल जो होता है बेसिकली वो किस चीज को फाइंड आउट कर रहा होता है, वो बेसिकली बेस स्टेशन की डायरेक्शन को क्या कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है। अब ये लूप सिग्नल जो होता है, इस लूप सिग्नल जो आता है मेरे पास, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के, टू द कोसाइन ऑफ रिलेटिंग एंगल ऑफ द सेंटर लाइन एंड द रिसीव सिग्नल। तो ये लूप सिग्नल का एक हमारे पास एक सिंपल सा एक फिनोमेना लिखा हुआ है जिसके अंदर थोड़ी सी मुझे एम्बिग्यूटी लगती है, सो लेट्स ऑब्सोलीट दैट थिंग। अब लाजमी सी बात है भाई, कोई भी सिग्नल होगा मेरे पास लूप सिग्नल, ठीक है, अगर मैं उसको इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन के एंगल के रिस्पेक्टिव में मैं प्लॉट करूंगा तो उसके अंदर एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा होगा, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। अब वो साइन भी बता रहा है, कोसाइन भी बता रहा है, तो ये दो जुमले लिखे हुए हैं फजूल के लिखे हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑल दीज टू थिंग्स आर फिलर इन दिस स्लाइड। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद सेंस एंटीना क्या करता है? सेंस एंटीना लाजमी सी बात है प्रोसेस करता है क्या इन रिसीवर को, उसमें से क्या होता है, वीक सिग्नल आइडेंटिफाई होता है और टुगेदर विद द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी। अगर दो एनडीबीज के हमारे पास सिग्नल, मतलब एक ये भी हो सकता है भाई, आपके पास एयरक्राफ्ट यहाँ कहीं फ्लाई कर रहा है, एक एनडीबी यहाँ लगा हुआ है, एक एनडीबी यहाँ लगा हुआ है, ये एयरक्राफ्ट दोनों के सिग्नल कैच कर रहा है, तो उस सूरत में क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है किसके, इस सिग्नल को, इस सिग्नल को भी। ठीक है, अब सेंस एंटीना क्या होता है, इसका जो आउटपुट होता है फिर देन उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, इंटीग्रेटेड टू एयरक्राफ्ट ऑडियो सिस्टम। अब ये जो भी मेरे पास मोर्स कोड आ रहा होता था, ये डिपेंड कर रहा होता है भाई आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने जमाने में जो एनडीबी सिग्नल आप रिसीव करते थे उसका एक मोर्स कोड या उसका एक जो कोड होता है उसकी लाइट आपके पास आ जाती है, देन उसके बाद लूप एंटीना सिग्नल आर सम अप विद द सेंस एंटीना सिग्नल। अब ये लूप सिग्नल एंटीना और ये भी थोड़ी सी है ना सिग्नल प्रोसेसिंग वाली बात है, ये भी सिग्नल प्रोसेसिंग वाली बात है, ये भी सिग्नल प्रोसेसिंग वाली बात है, मतलब ये डिजाइन के प्रस्पेक्टिव में है यहाँ पर, लेकिन ये माइक टूले के अंदर ये इस तरीके से गिवन नहीं है।
ये थोड़ी सी वो चीज है, अलग से चीज है. इसके उसको अभी रहने देते हैं, जिसमें ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, ये रेडार का कॉन्सेप्ट है, फेज मॉड्यूलेशन ये कम्युनिकेशन का है, देन उसके बाद वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, ये हम लोगों ने लीका में पढ़ लिया था. मतलब मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये अक्सर वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर पढ़ाया जाता है लीका के अंदर. फिर उसके बाद ये बेरिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिसीव हो जाती है. सो ऑल दीज थिंग, मतलब लूप एंटीना का सिग्नल आया, सेंस एंटीना का सिग्नल आया, एक डब्बे में गया, मतलब ये एक डब्बा है, लूप सिग्नल एंटीना फीड हो गया, सेंस सिग्नल एंटीना फीड हो गया, आउटपुट पे क्या आ गई, बेरिंग आ गई. ये अंदर की जो चीजें है ना, वो यहाँ पर छोटे छोटे मल्टी पॉइंट्स में लिखी हुई है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. आगे बढ़ते हैं. कंट्रोल पैनल. अब कंट्रोल पैनल के ऊपर आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट एनालॉग, अब ये एनालॉग एवियोनिक्स अब डेडिकेटेड एडीएफ कंट्रोल पैनल. आपका जो एवियोनिक्स बे होता है या इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल होता है, वहां पर आपको एक अदद सेपरेट एडीएफ का कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाएगा, जो कि अभी आगे वाली स्लाइड के अंदर उसकी एक पिक्चर भी गिवन है. उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं. उस कंट्रोल्स के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर है और हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है. बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करता है, टू क्रिएट एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी. बी यानी कि बीएफओ जो होता है वो मोर्स कोड की जो क्या होते हैं, वो जो साउंड होती है बेसिकली उसको उसको एडजस्ट करने में इस्तेमाल होता है. और ये बीएफओ कहाँ इस्तेमाल होता है, मोर्स कोड में, जो कि हम इससे पहले देख चुके हैं. अब एनटीपी की जो कैरियर वेव होती है, दैट आर नॉट मॉड्यूलेटेड विद द ऑडियो कंपोनेंट, यूज बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट. एनटीपी के अंदर इसमें क्या कहा गया है कि भाई एनटीपी के अंदर कैरियर वेव जो है वो मॉड्यूलेट नहीं होती विद एन ऑडियो कंपोनेंट, उसके अंदर एक ऑडियो सिग्नल नहीं आ रहा होता. सो हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस एन ऑडियो आउटपुट. सही. तो ये जो जुमला है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. कुछ एडीएफ पैनल के अंदर हमारे पास स्विच लगा हुआ होता है, जिसमें आप एडीएफ और एंटीना में इस्तेमाल कर सकते हैं. एडीएफ मोड का मतलब क्या होता है, सेंस एंड लूप एंटीना इस्तेमाल हो रहा है, और एंड का मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ सिर्फ क्या इस्तेमाल हो रहा है, सेंस एंटीना इस्तेमाल हो रहा है. अब आपके पास, मैंने इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई सेंस एंटीना आया, लूप एंटीना आया, डब्बे में गया, डब्बे ने क्या बता दी, बेरिंग पर बता दी. वो बेरिंग किस तरह की होती है, कहां पर आती है, वो हम अब आगे देखते हैं. वो आती है हमारे पास एक अदद बेरिंग डिस्प्ले के ऊपर. आउटपुट ऑफ द ADF receiver is transmitted, provides with the pilot board magnetic heading and the direction, and the NDB does enter to dedicated ADF instrument. कुछ भी आया सिग्नल ADF ने, मतलब जो आउटपुट पे बेरिंग आ रही होती है ना, वो जो डिस्प्ले आ रही होती, वो जो उसका इंडिकेशन आ रही होती है, वो डेडिकेटेड ADF के इंस्ट्रूमेंट पे आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RMI कहते हैं. RMI पुराने जमाने में कुछ और होता था, अब के जमाने में कुछ और होता है. पुराने जमाने में सिंपल सी निडल होती थी, अब के जमाने में भाई वो रेड एंड ग्रीन कलर की होती है. RMI के अंदर दो तरह के बेरिंग पॉइंटर्स होते हैं. सही है, वो दो तरह के बेरिंग पॉइंटर्स आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं. RMI पुराने जमाने में जब BOR नहीं था, जब सिंपल सिंपल ADF था, तो उस वक्त इसका काम एक ही होता था, लेकिन अब इसके दो काम होते हैं. पायलट या तो क्या करता है, उसको ADF के अंदर सूरत में इस्तेमाल कर लेता है, या तो उसको BOR की सूरत में इस्तेमाल कर. ADF NDB के बाद जो नया सिस्टम इजाद हुआ था फॉर नेविगेशन, रेडियो नेविगेशन, वो कहलाता है BOR. ये इसके बाद की टेक्नोलॉजी है. सिंस ADF को इन लोगों ने, मतलब फेडरल एविएशन एसोसिएशन ने मतलब ये मतलब ऑब्सलीट नहीं करा, बल्कि इसके साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया. क्यों, जहां VOR नहीं होगा वहां ADF होगा, क्योंकि NDB की तादाद VOR के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी पहले जमाने में, और वक्तन फवक्तन अब ADF खत्म होते जा रहा है. US के अंदर ADF को और NDB को बिल्कुल ही खत्म किया जा रहा है, और एक अंदाजे के मुताबिक 2030 के अंदर पूरे US के अंदर कोई NDB नहीं होगा.
इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं वो अभी भी एडीएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ एयरक्राफ्ट के अंदर बेरिंग सोर्स इंडिकेटर लगा हुआ होता है, वो कंफर्म करता है कि या तो एडीएफ है या बीओआर। कुछ एयरक्राफ्ट ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ग्रीन कलर के एनडीपी आइकन्स होते हैं, मतलब एक एलसीडी होगी जिसके अंदर बता देगा भाई ये एनडीपी है या वीओआर। एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक बीजो बॉल होती है जिसके अंदर हमारे पास एक इस तरह का बॉक्स होता है, अंदर एक किस्म की क्या होती है बॉल लगी हुई होती है, इसके साथ यहाँ पर एक इस तरीके से एक इंडिकेशन होती है। ऊपर क्या होता है ब्लू कलर होता है, नीचे ब्राउन कलर होता है, और यहाँ बीच में क्या होता है एयरक्राफ्ट की टिल्ट, एयरक्राफ्ट का एक वो लाइन बनी हुई होती है। आप लोगों ने अक्सर उकाद ये देखा होगा, अगर देखा है तो बताएं। नहीं सर। अरे यार रुको, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? सर स्लाइड स्लाइड दिख रही है। हाँ चलो सही है, एक मिनट मैं फिर है ना ये पहले सर्च कर लूं, मैं दिखाता हूँ एचएसआई। एचएसआई के अंदर पता नहीं क्या शो कर दिया इसने, हैंग सेंग इंडेक्स। नहीं यार हॉरिजॉन्टल सिचुएशन सिचुएशन अच्छा ये कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर। स्टॉप शेयर नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स द डायग्राम एंड फिर बताना कि भाई ये शेयर हो रहा है कि नहीं। शेयर स्क्रीन वेल माय शेयर, ठीक है ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर है। ठीक है ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, बेसिकली ये एयरक्राफ्ट की नोज को शो कर रहा है कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, और ये है कोर्स इंडिकेशन एरो। आपने कोर्स की निडल को फॉलो करना है, सो ऑलवेज यू हैव टू फॉलो द निडल। अब आप क्या करेंगे एयरक्राफ्ट को रोल करेंगे ताकि वो इस डायरेक्शन में आ जाए, तो ये ऑटोमेटिकली जब आपके पास ये नोज और ये एकदम बिल्कुल अलाइन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल क्या हो चुके क्या कहना चाहिए अपने रास्ते पर आ चुके हैं। ये कुछ कंपास कार्ड है, इसके अंदर मिनिएचर प्लेन है, ये है कोर्स नॉट सेलेक्ट, ये है हेडिंग नॉट सेलेक्ट। अब ये जो चीजें होती हैं बनाने वाला ने बना दिया, सही है। अब हमें नहीं पता ये क्या चीज है, ये कुछ ग्लाइड स्लोप के इंडिकेटर वगैरह सब चीजें वगैरह आती होती है। अब ये किस तरीके से पढ़े जाते हैं, इनका काम क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। अब इसको पढ़ते किस तरीके से, मैं नहीं समझता कि बीइंग एन इंजीनियर मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए, पायलट को ज्यादा पता होना चाहिए और जो इसकी मेंटेनेंस जो इसको डिजाइन कर रहा है उसको पता होना चाहिए। ऐसा ही है भाई। अब हम लोग करते क्या है, मैं अब स्टॉप शेयर करता हूँ, देन मैं अगेन आपको अब स्लाइड्स पे लेके चलता हूँ। क्या आप लोग मेरी स्लाइड देख सकते हैं? यस सर। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर का पता लग गया। अब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है लाजमी सी बात है उसके अंदर कोई ना कोई टीएफटी लगी हुई होगी। मैंने एक नाम लिया टीएफटी। आप लोग कह सकते हैं कि सर आजकल तो एलसीडी का जमाना है, एलईडी का जमाना है, आपने टीएफटी का नाम क्यों लिया? रिपीट करेंगे आप क्या बोल रहे हैं? नहीं देखिए अब तो जमाना इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स का आ गया ना, मतलब अच्छी वाली गाड़ी लेने जाओगे होंडा सिविक, उसके अंदर तमाम की तमाम जितनी भी इंडिकेशंस आ रही होती है वो तो एक एलसीडी पैनल के ऊपर आ रही होती है।
एयरक्राफ्ट के अंदर भी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगे हुए होते हैं, दिखने में वो एलसीडी होते हैं, लेकिन मैंने उनको नाम दिए टीएफटी। सवाल मेरा इतना सा है कि क्या हम एयरक्राफ्ट के अंदर एलसीडीज लगा सकते हैं? सर लगा सकते हैं। एलसीडी के अंदर क्या होता है? क्रिस्टल डिस्प्ले। हाँ तो क्रिस्टल क्या होते हैं वो? सर नेटवर्किंग होती है। नहीं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, उसके अंदर लाजमी सी बात है वो जो उसकी फिल्म होती है, जो उसके पिक्सल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। एयरक्राफ्ट एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाता है, उस सर्टेन हाइट पर जाने की वजह से आपके एयरक्राफ्ट के अंदर लगने वाली जो चीज होती है ना, वो क्या होती है, वो होती है कुछ डिफर करती है। उस डिफर होने की वजह से वो जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो डिजाइन किया गया है AGL ग्राउंड के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से वो लिक्विड ऊपर नीचे दाएं बाएं विदाउट इवन इन कंट्रोल वो कहीं भी मूव कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्प्ले क्या आता है, खराब होता है। तो उस सूरत में एक क्या किया गया, एक नया डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, TFT कहते हैं। TFT जो होता है वो कहलाता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। दिखने में ये बिल्कुल एलसीडी जैसा होता है, इसका डिस्प्ले भी बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन ये इसके अंदर वो जो लिक्विड ऊपर नीचे दायब है, मतलब जीस के चेंज होने की वजह से इसके जो ट्रांजिस्टर के अंदर जो कमी आती है वो चेंज नहीं हो सकती। हम LED भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, बट उनका नुकसान ये है कि वो जब हीटअप होते हैं तो वो उनका फटने का चांस होता है, और उसमें जो स्पार्क होता है वो स्पार्क होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए फायर ऑन दी ऑनबोर्ड डेक, तो दैट्स व्हाई वी डोंट यूज LED, बल्कि हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, TFTs का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि एयरक्राफ्ट के अंदर जितने भी हमारे पास डिस्प्ले लगे हुए होते हैं वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बेस्ड होते हैं। पुराने जमाने में CRT इस्तेमाल करते थे, कैथोड रे ट्यूब इस्तेमाल करते थे, वो चूंकि बल्की होते थे और बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे, तो आप हम लोगों ने उसका इस्तेमाल बिल्कुल रद्द कर दिया। आगे मजीद बढ़ते हैं, ये हमारे पास एक ADF का बेरिंग इंडिकेटर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट है, उसकी नोज यहाँ की तरफ है, और ये आपके पास एयरिंग वो आ रही है, एक तरह की मेरे पास निडल की डिफ्लेक्शन आ रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो NDB है वो कहाँ लगा हुआ है, वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। आप क्या करेंगे, हल्का सा रोल करोगे कहाँ पर, राइट जाने की तरफ, और इस नीडल को फॉलो करेंगे, तो देन आप क्या कर सकते हो, आराम से क्या मालूम कर सकते हो, NDB या उस पोजीशन तक या उस डेस्टिनेशन तक आराम से आप जा सकते हो। ये कुछ और लगे हुए हैं पैनल जो कि बड़ी ही गंदी तस्वीरों के अंदर है, इनकी जो अच्छी तस्वीरें वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर ADF के अंदर। ये ADF सिलेक्टर के कुछ पैनल्स हैं, ये पुराने जमाने के पैनल्स हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल गियर्स वगैरह लगे हुए हैं। अब जो इस्तेमाल होते हैं वो इस तरह के ADF के पैनल्स होते हैं, ये देख रहे हैं यार, जिसके अंदर आप ये कुछ सिलेक्टर वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो ये है ADF के पैनल। ये वो आगे हमारे पास क्या ADF का रेडियो इंडिकेटर, ये आगे RMI बियरिंग इंडिकेटर, सोर्स इंडिकेटर, ये वो सारे के सारे हमके पास आ। अब वो बात आ जाती है कि भाई रेडियो वेव है, रेडियो वेव के अंदर भाई लाजमी सी बात है फेडिंग भी होगी, अटेनुएशन भी हो सकती है, आपके पास काफी सारी चीजें हो सकती है। एक चीज होती है एटमॉस्फेरिक अटेनुएशन, शायद आप लोगों ने इससे पहले नाम सुना हो। ये आ गया रिलेटिव बेरिंग इंडिकेटर, ये आ गया हमारे पास रेडियो मैग्नेटिक इंडिकेटर। सर जाफरी जो है अक्सर औकात नेविगेशन के सवाल अक्सर इंटरव्यू ये आप लोगों से पूछते हैं कि ये फिक्स कार्ड क्या होता है, मूविंग कार्ड क्या होता है वगैरह वगैरह। आप फिर ना फिक्स कार्ड इस्तेमाल होता है ना मूविंग कार्ड इस्तेमाल होता है, तो डिजिटल का जमाना है, सब लोग डिजिटल पे जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये बैकअप के तौर पर लगा हुआ होता है। मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी मतलब बिलीव नहीं करता कि ये मुझे ये भी पता होना चाहिए, RBI मूविंग कार्ड RBI भी पता होना चाहिए, मुझे किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए ये मुझे पता होना चाहिए।
ये रेडियो मैग्नेटिक इंडिकेटर है, ये कोर्स है, ये वो रिफ्लेक्शन आ रही है, इसमें आप देख सकते हो ADF और VOR, मतलब RMI के अंदर ADF भी आता है, VOR भी आता है। सो ये वो चीजें आ रही है। ये वो कंट्रोल डिस्प्ले पैनल है जिसके अंदर आप क्या करते हो, बीट फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी सेट करते हो, देन उसके बाद वो आपको एक मोस्ट कोड शो कर देता है और ये सब चीजें। और ये उसका क्या आ गया, मेरे पास एक इंडिकेटर आ गया, ये रेडियो मैग्नेटिक इंडिकेटर। कुछ हमारे पास इसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं कि भाई हमारे पास ADF की जो वेव्स होती हैं वो ग्राउंड वेव्स होती हैं या स्काई वेव्स होती हैं, जिस तरीके से हमें पता है कि भाई स्काई वेव जो होती हैं इज अफेक्टेड बाय आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर की वजह से ये क्या करती हैं, स्काई वेव्स क्या करती हैं, रेयरफैक्शन की वजह से अपने जो डिस्टेंसेज होते हैं वो स्किप करती है। मतलब यानी के कहाँ गया वो, हाँ ये देख रहे हैं आप। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये एक अदद, मैं इसको और जूम करता हूँ, ये टावर है, ये स्काईवेव सेंड कर रहा है, सही है। अब ये आयनोस्फेयर है जो कि हमें पता है कि भाई ये एटमॉस्फेयर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है, ठीक है। अब ये जब हमारे पास आया, ये जब स्काईवेव जा रही होती है, ये जब मतलब इस तरीके से क्या होती, आयनोस्फीयर से टकरा कर क्या करती है, वापसी नीचे की तरफ आ जाती है। अब एक रेंज पहले बहुत बड़ी बन रही थी, अब क्या हो गई, वो छोटी रेंज बन रही थी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, कुछ स्केप डिस्टेंस आते हैं, किसकी वजह से, आयनोस्फीयर की वजह से। तो ये कब होते हैं, ड्यू टू द रेयरफैक्शन, कहां रेयरफैक्शन, और वो रेयरफैक्शन कब होते हैं हमारे पास, अक्सर औकात सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर ही हमारे पास रेयरफैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास थोड़ी सी इसके अंदर एरर्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि भाई हमारे पास रेडियो वेव्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। अब वो रिफ्लेक्ट किसकी वजह से होती हैं, ऑब्जेक्ट के आने की वजह से होती हैं, जैसे कि माउंटेन्स वैली, जिसकी वजह से हमारे पास रिफ्लेक्शन की वजह से मल्टीपाथ रिसेप्शन भी आ जाती है। याद आया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जो बताया था कि भाई रिफ्लेक्शन फेडिंग वगैरह के बारे में, तो ये बेसिकली वही है। अब ये हमारे पास आ जाती है अटेनुएशन। अब ये अटेनुएशन किसकी वजह से आती है, लैंड और वाटर की वजह से हमारे पास क्या आती है, अटेनुएशन। अब ये लैंड और वाटर है क्या चीज, हमारे पास माहौल के अंदर, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें अगर मैं अपने हवा के अंदर मौजूद चीजों को देखूं तो हमारे पास हवा में मौजूद क्या होती है, डस्ट भी होती है और हमारी हवा के अंदर मॉइस्चर भी होता है। उस डस्ट और मॉइस्चर की वजह से हमारे पास सिग्नल क्या होता है, अटेनुएट होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो अटेनुएशन होती है, ये एटमॉस्फेरिक अटेनुएशन आती है, क्योंकि बेसिकली लैंड एंड वाटर ही क्या आपका एटमॉस्फेयर है, और इसकी वजह से आपके पास जो अटेनुएशन हो रही है, दैट्स कॉल्ड एटमॉस्फेरिक अटेनुएशन। कुछ फ्रिक्वेंसी के ऊपर अटेनुएशन ज्यादा होती है, कुछ फ्रिक्वेंसी के ऊपर अटेनुएशन कम होती है। ये रेडार की बुक के अंदर आपको ये अटेनुएशन, एटमॉस्फेरिक अटेनुएशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आप अगर किसी, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मिड टर्म्स में कितने चैप्स आएंगे ये हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग चीज कर रहे हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पेपर्स के बारे में बात करते हैं। अब आ जाती है हमारे पास, दिस अफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द रेडियो वेव एंड कॉस। अब एंगल जो बन रहा है आपके पास एयरक्राफ्ट के अंदर और रेडियो वेव एंड कॉस, इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होती है, अटेनुएशन होती है, जैसे कि आपको बताया गया। अब कुछ हमारे पास अगर रेडिएटेड एनर्जी, NDB ने क्या किया, एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया, और आपका जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो ट्रांसमिटेड वेव है वो आपके एयर फ्रेम में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है या रेडिएटेड, जिसकी वजह से आपके पास क्या आती है, काइंड ऑफ इंटरफेरेंस आती है, तो ये भी कम होना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स, मतलब थंडर स्टॉर्म्स के अंदर भी आपके पास क्या होता है, इंटरफेसेस की मदद वजह से आपके पास क्या होती है, ADF वगैरह की जो वो है, क्या कहना चाहिए, ADF जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता। इसके अलावा रेडियो ट्रांसमिशन, स्टैटिक बिल्डअप। अब ये स्टैटिक बिल्डअप होता क्या है, आप लोगों ने कभी देखा है कि एयरक्राफ्ट जब फ्यूल हो रहा होता है तो उस वक्त उसको, पूरे एयरक्राफ्ट को ग्राउंड किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, कोई मुझे बता सकता है, देखो एयरक्राफ्ट जब फ्लाई कर रहा होता है तो उसके साथ कंटिन्यूस
किस क्या कांटेक्ट में रहती है, हवा रहती है। अब मुसलसल हवा उससे पास हो रही होती है, तो हवा और जब जब दो चीजें आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं तो उनके बीच में क्या होती है, फ्रिक्शन आती है। मतलब दो चीजें आपस में एक दूसरे से मिलती हुई गई तो उनके दरमियान एक फ्रिक्शन हुई, और फ्रिक्शन की वजह से आपके पास रगड़ने की वजह से, यानी कि दो चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ रब करने की वजह से एक चीज क्रिएट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए इंतहा ही खतरनाक होती है। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी चीजों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि इस ईडीएफ के अंदर भी ये नुकसान पहुंचाती है। तो यहां पर वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, ये वो चीज आ गई हमारे पास जो स्किप डिस्टेंसेस किस वजह से आते हैं। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक लेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है और आयनोस्फेयर है, आईएसटी। ये एनडीबी है, ये हमारे पास लैंड है, इसलिए इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होती है, एरर आ रहा है। देख सकते हैं कि ये मेरे पास एयरक्राफ्ट है, ये कुछ एरर आ रहा है। अब इस ये इधर ज्यादा जाएगा, अब एनडीबी यहाँ पर है, अब इसका जो कोर्स है और जो एनडीबी की डायरेक्शन है उसके दरमियान एक एरर है, तो ये किस वजह से आ रहा है, एटमॉस्फेरिक अटेन्युएशन, लैंड और सी की वजह से, जो कोस्ट लाइन की वजह से जो अटेन्युएशन आ रही है उसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि भाई हमारे पास जो एक्यूरेसी होती है किसकी, एक्यूरेसी इन एरर्स ऑफ द ईडीएफ, वो प्लस माइनस 5-10% होती है। ईडीएफ के अंदर कुछ हमारे पास एक्यूरेसीज होती है कि नाइट के अंदर हमारे पास जब रात होती है तो उस दौरान ईडीएफ की जो एक्यूरेसी होती है वो कम होती है और एरर के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। थंडरस्टॉर्म में भी होता है, ट्रेन के जो कहते हैं हम लोग, जो हमारा एटमोसफेयर की जो पहाड़ दरिया, मतलब जो उसकी जोग्राफियाई हैसियत है उसको हम ट्रेन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन इफेक्ट, प्रेसिपिटेशन मतलब वो स्टैटिक बिल्डअप व्हेन फ्लाइंग इन प्रेसिपिटेशन, तो ये वो चीजें आ गई हैं। इंटरफेसेस, अब इनसाइड दी जब एयरक्राफ्ट चल रहा होता है तो उस दौरान एक ऑल्टरनेटर और स्ट्रोब लाइट्स भी होती हैं। ऑल्टरनेटर कंटिन्यूस चलने की वजह से ये एक खास किस्म की आरएफ वेव भी जनरेट कर रहा होता है, सो उसकी वजह से भी हमारे पास कुछ अटेन्युएशन आती हैं। एक्यूरेसी और एरर्स और ये सब चीजें, इसको खत्म करने के लिए कुछ हमारे पास काउंटर मेजर्स होते हैं, उन काउंटर मेजर्स को अपनाना जो होता है वो पायलट का काम होता है, सो ये भी रहने देते हैं। ये कुछ हमारे पास फिक्स कार्ड आरबीआई और रोटेटिंग कार्ड आरबीआई की हमारे पास ये कुछ चीजें हैं। एक्चुअली जब हमारे पास मैग्नेटिक बेरिंग अगर मुझे मालूम करनी है तो वो बराबर होता है मैग्नेटिक हेडिंग प्लस रेडियो बेरिंग। इन दोनों को जब मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आती है, मैग्नेटिक बेरिंग आती है। सो ये जो चीज़ है ये एक तरह का फॉर्मूला है आपको मैग्नेटिक बेरिंग मालूम करने का, ठीक है। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि होमिंग क्या होती है, ब्रैकेटिंग क्या होती है और ये सब, क्रॉस विंड क्या होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, ये मेरे पास एनडीबी है, सही है, ये मेरे पास कोर्स है, ठीक है। अगर मेरे पास हवा इस डायरेक्शन के अंदर मौजूद है और मैं सीधा चलने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एयरक्राफ्ट क्या होगा, इस तरफ धकेला जाएगा। इस क्रॉस विंड को काउंटर करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरक्राफ्ट सीधा सीधा होते हुए टिल्ट की तरफ जा रहा है, ये जो चीज कहलाती है, यानी कि हल्का सा रोटेट जो किया गया है, ये सारी डी क्रैबिंग हुई है। इस डीप क्रैबिंग की वजह से हमारे पास, आप देख सकते हैं, क्रॉस विंड की वजह से हमारे पास एक प्रॉब्लम आई, क्रिएट हुई, वो क्या, क्या आप देख सकते हैं, पहले जो क्रॉस विंड ज्यादा कम होने, ज्यादा अगर कम होती तो मेरे पास बिल्कुल ये स्ट्रेट पाथ होता, लेकिन ज्यादा हुई, ज्यादा होने की वजह से मुझे कोई अलग डिस्टेंस चलना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे पास ये जो चीज है, मतलब ये जो डिस्टेंस जो मैंने एयरक्राफ्ट कवर की है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अज्यूम किया जाता है। सो इस दौरान ये थोड़ा सा ये चीजें करनी पड़ती हैं, तो ये वो इनहेरेंट चीज है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, अगर कोई चाहे तो ये जो वीडियो लिंक है इसको देख सकता है, ये रॉड्स एंड शॉर्ट्स की वीडियोस है जहां पर मुख्तलिफ किस्म के रेडियो नेविगेशन की चीजें आप लोगों को समझाई गई है। इफ यू वॉन्ट टू डू
wanted to watch that video, आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है. ADF में इतना ही. इसके अलावा नई चीज जो है वो VOR है. VOR को मैं सोच रहा हूँ कल देखते हैं, क्योंकि मैं घर पे ही मौजूद हूँ, तो कल मैं VOR भी कंप्लीट करवा दूंगा. और VOR के बाद जो एक और चीज रह जाती है वो रह जाती है DME. तो DME तक हम लोग करेंगे. अब जैसे कि आपके सामने नजर आ रही है, इस नजर आने वाली चीजों के अंदर मैं टोटल चैप्टर्स के बता देता हूँ भाई. DME, VHF, ADF, एयरक्राफ्ट नेविगेशन की कुछ चीजें, पहला और दूसरा चैप्टर. यानी कि पहला और दूसरा तो मैंने बहुत शुरू में जो करवाया था वही है. उसके बाद 8, 9, 10 और 11 और 1 और 2, ये आपके जो चैप्टर्स है वो इंक्लूडेड है कहाँ पर, इसमें मिड्स में. ठीक है, DME तक होगा, राइट. उसके बाद की जो चीजें वो हम लोग करेंगे कब. अब बात आ जाती है कि हमने कुछ क्लासेस स्किप की हैं, वो क्लासेस कब कब होंगी. कल मेरे घर पर, मतलब कल मेरी छुट्टी है, तो कल मैं जुम्मे के बाद क्लास लेने का सोच रहा हूँ. सही है, तो जो लाइव क्लास लेना चाहे वो लाइव ले सकता है, लेकिन वीडियो में अपलोड कर दूंगा. ओके सर. ठीक है, अब तक कोई सवाल. चलो जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो अब तक के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखना, पेपर की तैयारी जरूर करते रहना और असाइनमेंट स्टार्ट कर दो. मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है LMS में, मैं वो असाइनमेंट एक फॉर्म के अंदर भी, मतलब वो अपलोड कर दूंगा, राइट. चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़.